रमजान है आज, जैसा आप, मैं तेलंगाना हैदराबाद से बात कर रही हूँ, वो लोग एक दिन पहले रोजा शुरू करें, बोल रहे कि चांद के डेट से, क्यामत से पहले लोग बदलने लगेंगे, सारी जहां में एक ही डेट फॉलो होती, ऐसा बोल रहे हैं लोग। और बोल रहे हैं कि अब 9 अप्रैल को ईद आएंगी, तो ये गलत है मुझे बस मालूम है, लेकिन उनको दलील देके कैसे समझाऊं मैं? जी शेख, इनका सवाल वाजे नहीं हो पाया, आवाज मैं इनकी भी वाजे नहीं। चांद की जो डेट, अब एक दिन पहले वो लोग रमजान के रोजे रखना शुरू कर चुके वो लोग, और ईद को भी वो बोल रहे हैं कि 9 अप्रैल को आएंगे ईद, तो मतलब हमारे जो सब फॉलो कर रहे हैं उससे एक दिन पहले कर रहे हैं उन लोग, और ईद भी एक दिन पहले मनाएंगे, तो ये गलत है। तो उन लोग जैसे सऊदी का देख के या क्या दलील उनको देख के गलत ही ये बोलना, समझाने के लिए कैसे समझाऊं मैं? जी देखिए, बहन का सवाल ये है शेख जी, कि बहुत सारे लोग किसी दूसरे मुल्क का चांद देख करके या वहां की खबर सुन करके रोजा रखते हैं, जबकि हिंदुस्तान में अभी चांद नहीं निकला होता है, इस तरह से वो एक दिन पहले रोजा रख लेते हैं और इसी तरह से एक दिन पहले वो ईद मना लेते हैं, तो ऐसे लोगों को हम कैसे समझाएं? देखिए बहन, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी शरीयत के अंदर वो इबादतें जिन इबादतों का ताल्लुक वक्त से है, जगह से नहीं है, जिनका ताल्लुक वक्त से है, वो इबादतें किसी खास मुल्क के साथ नहीं जुड़ी हुई हैं, ना तो मक्का मदीना के साथ, ना किसी और मुल्क के साथ। वो तमाम इबादतें जिनका ताल्लुक वक्त से है, हर मुल्क के लिए, हर जगह के लिए उसका अपना वक्त होगा। ऐसी कोई भी इबादत आप शरीयत में नहीं दिखा सकते हैं जिसका ताल्लुक वक्त से हो और वो किसी जगह से जोड़ दी गई हो, ये गलत है। ये पहली बात। दूसरी बात ये कि हमारी जो शरीयत है, ये शरीयत हमेशा हमेशा के लिए है, कयामत तक के लिए है, और जब से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इस्लाम दे करके भेजे गए, उस वक्त से लेकर के कयामत के दिन तक के लिए ये शरीयत है और इसके अहकाम हमेशा के लिए हैं। आप अगर थोड़ी देर के लिए ये मान लें कि आज से 200-400 साल पहले सऊदीया के अंदर कब चांद निकलता था, क्या 200-400 साल पहले इसकी खबर हमें होती थी? नहीं होती थी। तो आज की तारीख में तो हमारे पास वसायल हैं, हम पता कर लेते हैं, लेकिन पहले के जमाने में जब खबरें दूर तक नहीं जाती थी, उस वक्त लोग कैसे रखते थे रोजा? तो अगर हम ये कहेंगे कि आज की तारीख में हम सऊदीया का चांद देख करके रोजा रख लेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि शरीयत आज के लिए है। भाई, क्या पहले के लिए शरीयत नहीं थी? क्या पहले के लोग गलत करते थे? तो ये इससे शरीयत के अंदर नक्स लाजिम आता है। तीसरी बात ये, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूमू लिरुयतिही व अफ्तरू लिरुयतिही, कि चांद देख करके रोजा रखो और चांद देख करके रोजा इफ्तार करो। अब यहां पर सवाल यह है कि ये जो चांद देखने की बात की गई है, ये बात क्या इसका मतलब यह है कि दुनिया के किसी भी कोने के अंदर चांद नजर आ जाए तो क्या सारे लोग रोजा रखो? नहीं, इसका यह मतलब नहीं है। इसका मतलब यह है कि हर जगह के लिए वहां का चांद है, क्योंकि सेम इसी तरह से मसला है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब सूरज गुरूब हो जाए तो इफ्तार कर लो। अब आप बताइए कि क्या बंगाल के अंदर जब सूरज गुरूब हो जाता है तो क्या मुंबई के अंदर इफ्तार कर लेते हैं? अगर कोई कहता है कि भाई चांद तो नजर आ गया सऊदीया के अंदर, तो हम यहां कह सकते हैं कि भाई सूरज भी तो गुरूब हो गया कलकत्ता के अंदर, तो बंबई के अंदर क्यों नहीं इफ्तार कर लेते हो? इसी तरह से नमाजों का मसला है, नमाजों का मसला भी वक्त से जुड़ा हुआ है, तो क्या जब कलकत्ता के अंदर जोहर का वक्त हो जाएगा तो क्या मुंबई के अंदर हम जोहर की नमाज पढ़ लेंगे? नहीं, मुंबई का अपना वक्त है, कलकत्ता का अपना वक्त है। इसी तरह से चांद का मसला भी है, और जिस तरह से चांद से हमें वक्त मालूम होता है, उसी तरह से सूरज से भी हमें वक्त मालूम होता है। जिस तरह सूरज अलग अलग इलाकों में अलग अलग वक्त में निकलता है, उसी तरह से चांद भी अलग अलग इलाकों में अलग अलग वक्त में निकलता है। लिहाजा ये कहना कि अगर कहीं पर चांद नजर आ गया तो पूरी दुनिया में रोजा रख लो, तो इससे शरीयत के अंदर नक्स लाजिम आएगा और जो है आप एक कदम भी नहीं चल पाएंगे। और आखिरी बात ये कि आप ये बताइए कि कहां के चांद का एतबार करेंगे? क्या सऊदीया के चांद का एतबार करेंगे, अमेरिका के, यूरोप के चांद का एतबार करेंगे? कहां का? शरीयत में तो ऐसा कुछ नहीं कहा गया है
कि चांद निकलने का एतबार मक्का और मदीना से है, तो आप कहां का एतबार करोगे? तो बहरहाल ये कौल बिल्कुल गलत है, बातिल है। हर जगह के लिए वहां का चांद है।